सिरौने गांव के भुइयारी मार्ग में किस तरह से जल जमाव हुआ है, वहीं आप देख सकते हैं कि कमर तक पानी यहां पर जम चुका है और नवी मुंबई महानगर पालिका की पोल खुलती दिख रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। बल जल जमाव के कारण यहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं और काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ के नागरिकों को करना पड़ रहा है। हम कुछ नागरिकों से भी जानेंगे कि उनकी क्या प्रक्रिया है इस विषय पर। आप देख सकते हैं कि पानी का किस तरह से यहाँ पर आप सिरौने गांव में जलमार्ग देख सकते हैं कैसा, ये देखिए गाड़ी जा रही है और गाड़ी रास्ते में ही बंद पड़ जा रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जा रही है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के नागरिकों का। हम नागरिकों से जानेंगे कि इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। कितने सालों से यहाँ पर पानी का जमाव हो रहा है, क्या खर्च करना चाहेंगे? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितने सालों से हो रहा है? कुछ आइडिया नहीं, बहुत 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 बारिश गिरता है यहाँ पर। हाँ, तो पानी जमाव क्या क्या समस्या हो रही है? इधर पानी की निकलने के लिए जगह नहीं है, वो अपना निकलने के लिए जगह चाहिए, उसके वजह से बहुत पानी हो रहा है। कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अपना महानगर पालिका को। ये देखिए यहाँ के नागरिक का मानना है कि महानगर पालिका की काम ना होने की वजह से इस तरह की समस्या हो रही है। हम इनसे भी जानेंगे कि थोड़ा क्या, सर कितने साल से यहाँ पर पानी जमा हो रहा है, क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? 2-3 साल से यही चालू है। तो किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? सरकार, और किसको माने? सिरौने गांव की पानी की समस्या को लेकर हमारे साथ पूर्व महापौर जयवंत सुतार साहब जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि सर कितने सालों से ये पानी का जमाव हो रहा है और नवी मुंबई महानगर पालिका के कामों को क्या कहना चाहेंगे इस तरह? देखिए, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज का दिन भारी वर्षा है और पूरा गाँव का और रास्ते का पूरा पानी वहाँ जमा हो जाता है। अभी इस प्रतिबंध के बारे में लास्ट टाइम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करके 6 इंच का पाइपलाइन डाल के एक सेंसर टाइप पंप लगा दिया है 6 इंच का, लेकिन फ्लो इतना है क्या वो पानी खींच नहीं पा सकता है। और जो आगे का पानी जैसा स्मशान भूमि के उस तरफ से हमारा सेक्टर 1 से लेकर 9 चिरौना गांव का पूरा पानी ये जा रहा है, सेक्टर 25 के नाले में जा रहा है और ये नाला जो है वो 25 के नाले को ही जोड़ा है, तो उसका जो फोर्स बढ़ता है तभी ये जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है और इससे यहाँ पानी जमा हो जाता है। तो भी मैंने मांग की है क्या यहाँ से स्वतंत्र जो एक तुम्हारा गटर और अलग से कलवर्ट बना जाए, जैसे बड़ा नाले में वो 45 से नहीं तो एक 160 के माध्यम से वो गटर को मिला जाए तो ये पानी का समस्या हल हो सकता है। आखिर में कैसा गया साल में पंप लगाया, अभी उसका नतीजा क्या है वो परीक्षण करके इसके बाद वो भी कार्रवाई हो जाएगी। सर नवी मुंबई महानगर पालिका को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? नहीं, कॉरपोरेशन के माध्यम में जो प्रयास करने का है वो प्रयास कर चुका है, अभी भी उनका प्रयास जारी है और जो मैंने मांग किया है वो भी कॉरपोरेशन तुरंत करे अगला साल, तो अगले साल के बारिश में ये नौबत नहीं आएगी।